गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंडों का अध्ययन कर रहे थे। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंडों में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अध्ययन किया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंडों का अध्ययन करेंगे। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स जो होते हैं, इसमें कार्बन एटम और जिंक मेटल के बीच डायरेक्ट बॉन्ड होता है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और जिंक मेटल के बीच डायरेक्ट बंध हो, तो उनको हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कहेंगे। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड टू टाइप्स के होते हैं। पहली कैटेगरी जो है, उसमें जिंक के साथ दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और दूसरी कैटेगरी जो है उसमें जिंक के साथ एक तो एल्काइल ग्रुप और दूसरा कोई हैलाइड X4, कोई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसके मेथड्स देखते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंडों को हम किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला जो मेथड है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंडों के प्रिपरेशन का, वो है एल्काइल हैलाइडों से, R X X4। यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एल्काइल हैलाइडों के रिएक्शन जिंक मेटल से करवाएंगे इनर्ट एनवायरनमेंट में। इनर्ट गैस होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर N2 लिया है, नाइट्रोजन गैस लिया है। इनर्ट एनवायरनमेंट में जब जिंक की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करवाएंगे, तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और यदि इसको हीट कर दें, गर्म कर दें, तो डाई एल्काइल जिंक, फर्स्ट टाइप के जो कंपाउंड हैं डाई एल्काइल जिंक, इनका फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से पहला जो मेथड है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बनाने का, वो एल्काइल हैलाइडों से ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का फॉर्मेशन। दूसरा जो मेथड है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बनाने का, वो है ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंडों से। ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऑर्गेनो मैग्नीशियम से भी रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि लिथियम के रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफ़ी कम है। तो ये जो पोलरिटी होती है कार्बन और लिथियम के बीच, ये जो बॉन्ड होता है काफ़ी ज़्यादा पोलर होता है, और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस तरह पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। कार्बन और लिथियम के बीच में पोलरिटी होने की वजह से ये वाला बंद काफ़ी ज़्यादा पोलर होता है, और ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड सुपर रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। इनकी रिएक्शन जिंक क्लोराइड से करवाने पर, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंडों की रिएक्शन जिंक क्लोराइड से करवाने पर डाई एल्काइल जिंक, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंडों का फॉर्मेशन होता है। तीसरा जो मेथड है वो है ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंडों से। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड भी ऑर्गेनो जिंक कंपाउंडों की अपेक्षा ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, यहाँ जो अपन ने लिखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, इसके रिएक्शन जिंक क्लोराइड से यदि करवा दें, तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट मेथड है ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंडों की रिएक्शन डायरेक्ट जिंक से करवा दो, तो भी ऑर्गेनो जिंक कंपाउंडों का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से ये कुछ एक मेथड है जिनकी सहायता से हम ऑर्गेनो जिंक कंपाउंडों का फॉर्मेशन करते हैं। अब इनके केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंडों के केमिकल रिएक्शंस। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स जो होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं देन ऑर्गेनो लिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड से। ऐसा क्यों होता है? ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो होते हैं, इनमें कार्बन और जिंक मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होता है, जबकि ऑर्गेनो मैग्नीशियम और ऑर्गेनो लिथियम को यदि देखें, तो
ऑर्गेनोलिथियम में कार्बन और लिथियम के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होता है, ऑर्गेनोमैग्नीशियम में कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होता है। ऑर्गेनोलिथियम में लिथियम काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है, तो इस कार्बन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो बॉन्ड है ये काफ़ी ज़्यादा पोलर होने की वजह से बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ऑर्गेनोमैग्नीशियम की यदि बात करें तो जिंक की अपेक्षा मैग्नीशियम ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का है, और कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का जो ये बंध है इसमें पोलरिटी कार्बन और जिंक की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ज़्यादा पोलरिटी होने की वजह से ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड ऑर्गेनो जिंक कंपाउंडों की अपेक्षा ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। यदि तीनों कंपाउंडों को देखें, ऑर्गेनो लिथियम, ऑर्गेनो मैग्नीशियम, ऑर्गेनो जिंक, तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड लेस रिएक्टिव है इन तीनों में। अब इनकी रिएक्शन देखते हैं। पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंडों में भी इस कार्बन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो ये कोई भी जो एल्काइल ग्रुप है ये एज ए बेस की तरह व्यवहार करेगा, और इसको जहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगी तो एसिड बेस रिएक्शन होकर के एल्काइल एल्केन का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाई गई है डाई एल्काइल जिंक का है, इसकी रिएक्शन वाटर से करवाएंगे, तो वाटर के साथ में ये एसिड बेस रिएक्शन करके एल्केन का फॉर्मेशन कर रहा है, और जिंक एज डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरीके से यदि इस ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की रिएक्शन एल्कोहल से करवा दे तो एल्कोहल में भी जो एसिडिक हाइड्रोजन है वही एसिड बेस रिएक्शन और एल्केन का फॉर्मेशन, और जो इसका यदि एसिड बेस रिएक्शन होगी एल्कोहल में तो C2H5O माइनस और H+। इस H+ के साथ में तो ये एल्काइल ये जो है ये एसिड बेस रिएक्शन हो गई, और ये C2H5O- इथोक्साइड आयन जो बना वो जिंक के साथ में अटैच हो गया। इस तरीके से जिंक के जो कंपाउंड है वो एसिड बेस रिएक्शंस दिखाते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, ये अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे।